युवा समझ गया है महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवा लोग हैं जो सब समझ गए हैं, भर्ती निकल नहीं रही है, आर्मी इन्होंने अग्निवीर कर दी, अब यूपी में हमने भी इनको अग्निवीर बना दिया है। अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले की बात कर रहे थे, बताया जा रहा था चुनाव भी जीत गए हैं, अब यहाँ पार्टी ऑफिस जब आते हैं तो आप देखिए रंगे पुते पीडीए खड़े हैं, तमाम तीन यूथ हैं, तीन यंगस्टर्स हैं, ये क्या आप लोग को सूझी कि आप लोग एकदम जो है पीडीए के रंग में रंग गए? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का नारा है, ये मोर्चा उन्होंने जो नाम दिया हम उसी का आह्वान करते जा रहे हैं हर लोकसभा में, वो आगे भी करते जाएंगे। पी बना पी माने पी पिछड़ा दलित डी माने दलित ए माने अल्पसंख्यक, तो बहुत सारे डेफिनेशन बताए लेकिन यही है हमारे लिए तो यही है, युवा समझ गया है महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवा लोग हैं जो सब समझ गए हैं, भर्ती निकल नहीं रही है, आर्मी इन्होंने अग्निवीर कर दी, अब यूपी में हमने भी इनको अग्निवीर बना दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। मोदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई सरकार तो हमने बना ली ना, ऐसी सरकार बनाने से क्या फायदा कि लोग ये कह रहे हैं जब 400 पार, चार तो हट गया अब तो पार पार रह गया है, चार तो हट गया पार पार, ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, कह रहे बना ली है लेकिन सरकार बैसाखी के सहारे है। वो कह रहे हैं कि अब की कोई ईवीएम कोरोना भी नहीं रो रहा है, क्यों नहीं रो रहा है? नवल किशोर साक्षी के साथ क्या हुआ फरुखाबाद में? क्या आपको लगता है पीडीए जो है उसकी वजह से चुनाव आ गया है? क्या आपको नहीं लगता पीडीए का हमारा नारा बहुत पॉपुलर रहा है इस बार, आगे भी हम इसी पर चलते रहेंगे, जो 27 चुनाव भी हम पीडीए के आधार पे करेंगे, 27 में बीजेपी को हारने वाले यूपी में से पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनेगी। ये पीडीए है, ये तमाम यंगस्टर्स हैं, तीन लोग पीडीए लिए हुए हैं, एक जना उनसे कह रहा हमको भी ले लीजिए, लेकिन वो पीडीए पुता नहीं तो मैं लूंगा नहीं उनको इस समय। फिलहाल कहानी है समाजवादी पार्टी की ऑफिस की है, जिसमें पीडीए का नारा इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव।